तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, आज है 9 फरवरी और आपकी जो यानी कि लखनऊ बेंच में सुनवाई थी 7663 जो केस नंबर की, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे अभ्यर्थी सुबह से लगातार देख रहे हैं कि आखिर जो आज की कोर्ट अपडेट वगैरह में क्या हुआ है, तो विद प्रूफ दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो साथियों, आपको बता दूं जिस प्रकार से ये सारी चीज़ चल रही है, क्योंकि जो लेखपाल का रिजल्ट पूरी तरीके से जो कोर्ट पर निर्भर है, और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो यानी कि कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट में क्या हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार भी डेट वगैरह चेंज हुई थी, ठीक है, 15 फरवरी मिल गई थी जो हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, तो आज भी हम बात करने वाले हैं अभी तक क्या हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हो, ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी साइट से डाउनलोड किया है, यानी कि तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपका केस नंबर है 7663, 7663। मगर अभी तक आपको बता दूं कुछ भी इस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो सीरियल नंबर है आपका 462 मिला है, ठीक है, और अभी तक सुनवाई यहाँ तक पहुँची नहीं है। आपको बता दूँ, ठीक है, सीरियल नंबर क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल चुका है, और पिछली बार था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपको पता होगा सीरियल नंबर शायद 7 था, इस वजह से वहां पर सुनवाई वगैरह आपको जल्दी देखने को मिल गई थी, क्योंकि जो सुनवाई थी वो जल्दी हो गई थी, सीरियल नंबर 7 था। मगर आज जो सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा मिल चुका है, और पिछली बार भी लखनऊ बेंच में शायद 458 के करीब जो सीरियल नंबर मिला था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पास ओवर कर दिया था, और जो लास्ट ऑर्डर में पीओ लिख के आया था, मतलब पास ओवर कर दिया था। तो यही सारी चीजें। मगर साथियों, आपको बता दूं अभी तक साइट पर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल पा रहा है, अभी तक यही साइट पर देखने को मिल रहा है जो सीरियल नंबर आप यहां पर देख सकते हो, और कुछ भी अपडेट होगी हमारे चैनल से दी जाएगी। क्योंकि आपको बता दूं लगातार सुबह से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि आखिर आज कोर्ट में क्या हुआ, तो मैंने समझा उचित समझा इसे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी तक कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि साथियों, आपको बता दूं जब तक ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आखिर रिजल्ट वगैरह कब तक देखने को मिलेगा, और कॉमन अंक की बात करते हैं, तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा, यानी कि जो 7 प्रश्नों को निकाला था आपने देखा होगा, जो यानी क्वेश्चन भी दिखाए थे जिन्हें चैलेंज किया गया, उसमें से 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से कोर्ट ने हटा दिया है, और लखनऊ बेंच ने ही हटाया है। आपको बता दूं जो रेट नंबर 19573 19574 थी वो लखनऊ बेंच में थी, और वहां पर आपको बता दूं जो क्वेश्चन के नाम भी है उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री वाला, और जो सोलर फोटो यानी कि वोल्टाइक पंप स्कीम वाला, इन 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से हटा दिया लखनऊ बेंच में। आपको बता दूं अब कहीं ना कहीं लखनऊ बेंच में 3 प्रश्नों को चैलेंज चल रहा है, और 2 प्रश्नों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उज्जला वाले पूरा वाले पर, और एक उज्जला पूरा वाले पर। और यहीं पर लखनऊ बेंच की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक तो NH हाईवे वाला और हिंदी के 2 प्रश्न है, एक कारक वाला और एक पर्यायवाची है, तो इन 3 प्रश्नों को लखनऊ बेंच में चैलेंज किया जाएगा। मगर साथियों, आपको बता दूं अभी तक कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही है, हमारे चैनल से आपको सबसे पहले विद ऑथेंटिक दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि जो कुछ भी चीजें आपको विद प्रूफ दिखाई जा रही है यहाँ पर सारी चीजें, क्योंकि जो कुछ भी होता है विद प्रूफ दिखाया जाता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कोई भी अपडेट होगी बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या है। और कॉमन अंक की बात करते हैं, तो साथियों आपको बता दूं यहाँ पर एक पूरा यानी कि अनुमान है 1 से 2 प्रश्न पर कॉमन अंक मिलने का, ठीक है, 1 से 2 प्रश्न पर मिलने का पूरा अनुमान है कि आपको कॉमन अंक मिल सकता है। NH वाले पर तो 100% मिल सकता है, और 1 प्रश्न की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मिल सकता है। लगभग यहाँ पर हम बात कर सकते हैं 2 कॉमन अंक बच्चों को मिलने के पूरे अनुमान है। तो निश्चिंत रहिए, और जो कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मगर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं किया गया, यहाँ पर साइट पर दिखा दिया आपको, ठीक है, तो जो कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल से दी जाएगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में रखते हैं, मैंने सोचा अगर आपके, क्योंकि सुबह से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आखिर क्या हुआ है, क्योंकि मैंने आज कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, मैं सोच रहा था यानी कि जो कुछ भी ऑफिशियली अपडेट आए कि पिछली बार क्या हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, सुबह ही सारी चीज़ पता चल गई थी, तो इस हिसाब से मैंने सोचा बच्चों को बता दिया जाए, क्योंकि अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में रखते हैं, अगर कोई भी और अपडेट होगी, शाम तक कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी विद प्रूफ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो